एक काली परछाई से, एक काली परछाई जो आपको अंधेरे में जो नजर आती है, मैं काली परछाई से आपको प्रयोगते हुए देख रहा हूँ। मेरा बेटा वा छोटा थे, और जो भी आता ना उन्हें सारी रात पर काली परछाई सोन ही नहीं देती, और जो भी बोलता ना तो आ जाता मम्मी मैं पता नहीं की होता, मैं भैन जितना को घूमता दे आले दुआले काली परछाई लैके बहुत ही उन्हें परेशान किया है। पर पापा ने धन्यवाद करो, रो नहीं, जब परमेश्वर स्वर्ग से देता है। आप में से किसी ने भी इस बात के विषय मेरे से कोई कभी बात की है? एक भी बंदा कहो कि मुझसे तो आपने बात की है इस विषय के? और जे सिस्टर की गवाही जे है कि जे पिछले संडे की मीटिंग में आए थे और जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के दास के मुख से प्रोफेसी वर्ड आया था काली परछाई के लिए जो नेगेटिविटी का प्रभाव था, तो जैसे इन्होंने भी इस वर्ड को रिसीव किया तो परमेश्वर ने आज इनको इस वर्ड इस प्रॉब्लम से फ्री किया है। और एक और सिस्टर थी पर वो आज आए नहीं है किसी कारण, और उनको भी परमेश्वर ने फ्री किया है। और पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे। और जो सिस्टर का नाम जसबीर है और और जे वल्ले गांव के रहने वाले हैं, और इनकी गवाही जे जे बता रहे हैं कि 3 महीने हो गए थे कि इनको भी काली परछाई नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण जे काफ़ी परेशान थे। जे बता रहे हैं कि जब भी जे घर में प्रार्थना करते थे तो इनको ऐसे आवाज़ आती थी, तो जब जे देखते तो कोई भी नहीं था। अगर जे अपने घर में है तो जे बता अपने घर में अपने बच्चों को भी कहते कि ऐसे दरवाजे के पास कोई खड़ा है, पर जैसे वो देखते तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। तो ऐसे 3 महीने हो गए थे कि इस काली परछाई के कारण जी काफ़ी परेशान थे। और सेकंड जो सिस्टर का नाम रिम्पी है और जी वल्ले गांव के रहने वाले हैं, और सॉरी जी माला गांव के रहने वाले हैं, और इनकी गवाही है जे बता रहे हैं कि 4 महीने हो गए थे कि जे भी काली परछाई से बहुत ही परेशान थे। जे बता रहे हैं कि जब जे घर में अकेले होते थे तो इससे इनको ज़्यादा ही परेशानी होती थी, कि जे बता रहे हैं कि जे जो काली परछाई होती थी वो इनके हस्बैंड के रूप में इनको दिखाई देती थी, और जैसे जे पीछे देखते तो कोई नहीं होता था। अगर जे नहा रहे होते, कोई भी घर का काम करते तो इनको बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, और जे लगातार 4 महीने हो गए थे कि इस नेगेटिविटी प्रभाव के कारण परेशान थे। पर जैसे जे संडे की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और जब प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोफेसी वर्ड आया काली परछाई के लिए। तो पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। मैं आपको एक काली परछाई से, एक काली परछाई जो आपको अंधेरे में जो नजर आती है, मैं काली परछाई से आपको प्रयोगते हुए देख रहा हूं। आपको एक काली परछाई तंग करती है, एक काली परछाई जैसे आपको नजर आती है, और उसके कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम भी है और डर भी है, और आप उस चीज से परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रही। पर खुदावंद का रू उसकी हजूरी में जो उसका आत्मा हमारे बीच है, मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं, और वो जो भी अंधकार की काली परछाई आपको नजर आती है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, शुद्ध जाओ और आजाद हो जाओ, और खुदावंद की उसी आराधना में आनंद की भरपूरी से भर जाओ। जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और जो सिस्टर नहीं आए उनको वो भी बहुत परेशान थे। वो उन्होंने उनका जो बेटा था वो 4 साल से वो भी काली परछाई से परेशान था, तो उस दिन उन्होंने भी रिसीव किया, और वो जो तीनों जब आगे आए तो इन्होंने अपने इस काली परछाई नेगेटिविटी प्रभाव के जो परेशान थे तो इन्होंने बताया था। पहले हम उस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। पापा जी मेरा बेटा वा छोटा थे, और जो भी आता ना उन्हें सारी रात पर काली परछाई सौन ही नहीं देती, और जो भी बोलता ना तो आ जाता मम्मी मैं पता नहीं की होंगे, मैं भैन जितना को घूमता दे आले दुआले काली परछाई लैके बहुत ही उन्हें परेशान किया है। पर पापा जी धन्यवाद करो, रो नहीं, जब परमेश्वर स्वर्ग से देता है। आप में से किसी ने भी इस बात के विषय मेरे से कोई कभी बात की है? एक भी बंदा कहो कि मुझसे तो आपने बात की है इस विषय के लिए? क्योंकि हाँ कल मैंने फोन किया, मैं समझाया तो मेरे ना गुस्से हो गया, मैं तेन फोन नहीं करया करना भी तुम इधर नु आउन नु कहनी है। ओ देखो, एक तो शैतान अपने बंधन में ऐसे रोक के रखता है, पर जिस खुदा पर आप विश्वास करते हो
वो गूढ़ बातें, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इन लोगों के जीवन में जो अंधेरे की बातें वो रोशनी में प्रकट कर। हाथों को उठाऊं, थोड़ा सा आगे हो जाऊं, हाथों को उठाऊं, आप भी इनके लिए। मैं लगता भी मेरे मंगर मंगर तुरदा फिरता जहाँ चीज मैं कली हूँ निकार मैं परछावा दीदा नहीं था मैं जहाँ मेरे पति था जहाँ मैंने इदा कहता ये। अब देखो तेरी शादी को कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल इसके बेबी नहीं है। अब देखो तो आप देखोगे होने क्या माने आए। हाँ हाँ समझ आ रही है। मैंने कहा आप देखोगे कि किस कैसे परमेश्वर दिनों में ये जितनी भी मीटिंग्स हैं। मैंने कहा था जे कि धन्यवाद करो। हाँ जी मैंने तो अंजन था कि जे सर आपके 12 को गेट तो हम दाया थे गाड़ी पता नहीं लगता पीछे मैं नीतू ना नुआ कौन आया ते कहती कोई भी नहीं है मम्मी ते अंज लगे कि जो कोई मतलब अंज बाथरूम में वड़ गया चाहे अंज हो गया ते मैं इन्हों सचमुच ही मैं इन्हों दस दी हाँ मैं कहनी कि वो पिछे मेरे तुरै आंदा ही ते किधर नू चल गया आया पौड़ियाँ तो नहीं चढ़ गया कोई कुछ नहीं हों। आप जितने भी जाने हो चलो आई। और अभी जो तीनों सिस्टर बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और जो धन्यवाद करते रहे इन्होंने भी चेक किया और एक हफ्ता हो गया कि पूरी तरह से परमेश्वर ने इस नेगेटिविटी प्रभाव से आज इनको फ्री कर दिया है। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। तो सुनो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर प्रकट ना करे। क्या ना करे? कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर प्रकट ना करे। बस अपने फेथ में रहना है, विश्वास से खुदा की हजूरी में आना और तैयारी से आना है, क्योंकि उसे पता है। मैंने आपको संडे बताया था ना, जैसे आप सोचे सोचते हो उसी तरह से लिखा परमेश्वर भी आपके लिए जो सोचे सोचता वो हानि की नहीं कुशल की शांति की। आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, उसे मालूम है, उसे पता है, उसे पता है मैंने इनके जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है तो उसे पता है मैंने छुटकारा देना है। अब तो नहीं है कोई प्रॉब्लम? हाँ अब तो नहीं है ना? सब कुछ भूल गया, सब कुछ खत्म हो गया। आपको जो नहाते समय कहते थे जय मसीह की, कुछ नहीं है अभी। अब जल्द आप उस ब्लेसिंग को प्राप्त करोगे जिसके लिए खुदावंद ने आपको बुलाया है। क्या बोलो? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे जीवन के पीछे जिसे हमें समझ नहीं आती क्या करना है, पर परमेश्वर है जो गूढ़ बातों को जो अंधेरे की वो रोशनी में प्रकट करता है। तो धन्यवाद करो इस बात के लिए, खुशी मनाओ कि परमेश्वर ने जो आपको स्वर्ग से ये वचन दिया है। बोलो क्या? ये वचन स्वर्ग से दिया है जो आप चाहते हो अपने जीवन में वो आप जल्द सारा कुछ पूरा होता देखोगे।